तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास LG का इन्वर्टर AC है और उस AC में CH1 एरर आ रहा है, तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर LG AC में CH1 आ रहा है तो यह एरर है रूम टेम्परेचर सेंसर का। यह सेंसर इंडोर यूनिट के कॉल में लगा हुआ होता है। आपके AC में यह एरर तीन कारणों से आ सकते हैं। हो सकता है कि रूम टेम्परेचर सेंसर के वायर को चूहे ने काट दिया होगा। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर के वायर को चूहे ने काटा है तो आप वायर को फिर से जोड़ ले तो यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर रूम टेम्परेचर सेंसर के वायर को चूहे ने नहीं काटा है और फिर भी ये एरर आ रहा है, तो आप PCB में सेंसर वाले कनेक्टर को देखे लूज कनेक्शन की वजह से भी ये एरर आता है, या आप कनेक्टर को निकालकर फिर से लगाएं तो भी ये एरर ठीक हो जाएगा और उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आप रूम टेम्परेचर सेंसर को बाहर निकालकर सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करें। अगर सेंसर में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो आप रूम टेम्परेचर सेंसर को बदल दे तो यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर में रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आपको इंडोर यूनिट पावर सर्किट बोर्ड बदलना होगा। पावर सर्किट बोर्ड बदलने से यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।